तो हाय गाइस, दिस इज़ आनंद एंड आज की इस वीडियो में मैं सिंपल खयाल के स्केच को कलर करने वाला हूँ। एंड इससे पहले मैंने इस वीडियो का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो में पूरा कवरिंग करने के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देखें, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद आप ये वीडियो देखें। एंड अब हम कलर को शुरू करते हैं इस वाले ड्राइंग के अंदर। और कलर को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले स्किन कलर का यूज़ करके इस फर्स्ट लेयर पूरा डाल देंगे। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद तो हम आइज़ के ऊपर, आइज़, नोज़ एंड लिप्स के ऊपर थोड़ा हम कलर से इसके ऊपर रिपीट कर दे रहे हैं, जिसके स्किन कलर से ये इरेज ना हो जाए। तो अब हम इन्हें इनके ऊपर स्किन कलर को यूज़ करेंगे। तो स्किन कलर पूरा कंप्लीट होने के बाद हम कैमलिन का फ्लैश टिंट कलर को इसके ऊपर करते हैं और फिर करने के बाद हम इसे टिश्यू कर देंगे। और टिश्यू करने के बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज कलर का यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज कलर से हम इसका फेस का पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। फेस का जहाँ डार्क एरिया है वहाँ हम डार्क करेंगे एंड जहाँ लाइट है वहाँ हम लाइट यूज़ करेंगे। और ज़्यादा लाइट के लिए हम वाइट पेंसिल कलर का भी यूज़ करेंगे। एंड अब मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। अब रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा लाइट रेड है वहाँ मैं लाइट रेड कर दे रहा हूँ। और अब मैं इन्हें ब्लेंड करने के लिए वाइट पेंसिल कलर का यूज़ करूँगा। ये अप्सरा का वाइट पेंसिल कलर है जो कि 10 रुपीज़ में सिंगल पीस मैंने बाय किया है। तो वो होने के बाद हम अब मैकेनिकल पेंसिल से नोज़ बनाएंगे। तो मैकेनिकल पेंसिल को भी आप शार्प रखें और फिन बनाएं, साइड में थोड़ा डार्क एरिया बना रहे हैं। तो हल्का ब्लैक कलर पेंसिल से हम आईब्रोज को बनाएंगे। पहले हम हल्का पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे और फिर उसके ऊपर हम 0.5 mm का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करेंगे शार्प करने के बाद। एंड ये हो जाने के बाद हम इसे ब्लेंड कर देंगे और फिर से एक और लेयर हम वो मैकेनिकल पेंसिल का ही डालेंगे और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। तो आइज़ बनाने के लिए मैं अप्सरा ग्लास मार्किंग कलर पेंसिल का पहले यूज़ करूँगा। सो इतना ही मैंने उस वाले पेंसिल कलर का यूज़ किया है और उसके बाद मैं ब्लैक कलर का यूज़ किया हूँ, हल्का ब्लैक कलर का। और उसके बाद मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आइज़ का हेयर बनाने के लिए। तो इसके अंदर थोड़ा चमक लाने के लिए मैं पेंसिल को भी मिक्स कर दिया हूँ। एंड अब इसके अंदर मैं ब्लू कलर को भी थोड़ा ऐड करूँगा जैसा फ़ोटो के अंदर है। और फिर इसके बाद मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके इसको अंदर कर दूँगा और फिर इसे मिक्स करने के लिए मैं वाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा। तो वाइट पेंसिल के करने के बाद मैं अब सेकेंड आइज़ बनाऊँगा। जैसे मैंने पहला आइज़ बनाया है वैसे आपको दूसरा आइज़ भी बनाना है। सो दूसरा आइज़ भी कम्प्लीट हो चुका है। अब हम लिप्स बनाते हैं। लिप्स बनाने के लिए मैं पहले पिंक कलर का यूज़ करूँगा। तो अब मैं डार्क पिंक कलर का यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं अप्सरा का ग्लास मार्किंग रेड पेंसिल कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो वो होने के बाद मैं ब्लेंड कर दिया इसको और फिर मैं अब अप्सरा का ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर नीचे मैंने ब्लैक कलर थोड़ा शेडिंग कर दिया है एंड दांतों के अंदर भी हमने थोड़ा शेडिंग कर दिया है ब्लैक कलर से। तो लिप्स के अंदर लाइट इफेक्ट ऐड करने के लिए मैं वाइट पेंसिल कलर का यूज़ करूँगा। तो लिप्स के ऊपर वाइट पेंसिल से शेडिंग करने के बाद उसके ऊपर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा। तो हमने माथे का ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले मोटर इरेजर से चारों ओर इरेज कर दिया और फिर रेड कलर से बीच में एक डॉट और चारों तरफ फिर हमने वाइट जेल पेन से डॉट्स लगा दिए, जिससे कि ये बिंदी पूरा परफेक्ट बन गया। अब हम ज्वेलरी बनाएंगे। ये बनाने के लिए पहले मैंने नीड इरेजर से इन्हें इरेज कर दिया और फिर ब्राउन कलर से डॉट्स लगा दिया और बाकी का स्टेप आप वीडियो में देखो और मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा।
तो लगभग माथे का ज्वेलरी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं अप्सरा का ब्लैक कलर यूज़ करूँगा हेयर बनाने के लिए। तो हेयर के स्ट्रोक हम बना लेते हैं पहले, जो पहले हम डार्क नहीं करेंगे, पहले हम लाइन डालेंगे और फिर उसके बाद हम पहले मैं ईयर रिंग्स बना के फिर हेयर बनाऊँगा, जिससे कि ईयर रिंग्स के ऊपर से हम हेयर को निकाल सके। ब्लैक कलर को मैं अब ब्लू कलर से मिक्स कर रहा हूँ, जिससे कि ब्लू कलर का लाइट इफेक्ट भी आ जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। एंड अब ब्राउन कलर से हम बाकी एरिया को ब्लेंड कर देंगे, एंड येलो कलर ब्राउन कलर एंड ऑरेंज कलर से हम इधर अब ब्लेंड कर देंगे। आप फोटो में देख सकते हो कि बिल्कुल जैसा है वैसे मैं इसके अंदर भी बना रहा हूँ। एंड अब हमें इन कलर्स की ज़रूरत है मोर पंख बनाने के लिए, तो ये मोर पंख बनाने के बाद ही हम अब आगे का हेयर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने पहले मोटर इरेजर से इसे इरेज कर लिया और फिर इसके अंदर मैं रेड कलर और फिर चारों तरफ मैं वाइट जेल पेन से बना दिया, वाइट जेल पेन का यूज़ किया एंड इसके ऊपर से मैंने एक दो हेयर बना दिए जिसे रियलिस्टिक टाइप में आ जाए। और मैं बैकग्राउंड का ब्लर इफेक्ट बना रहा हूँ, ब्लर इफेक्ट में भी मैं अप्सरा का ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ करूँगा। तो उसे मैं पहले हल्के हाथों से पहले ब्लैक कलर कर लूँगा, जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ मैं ब्लैक कलर करूँगा। और इन्हें हमें टिश्यू पेपर या फिर किसी चीज़ से ब्लेंड नहीं करना है, इसी के ऊपर से हमें नेक्स्ट कलर को डालना है। हमें इसे कलर से मिक्स करना है, मैं इसमें टिश्यू पेपर वगैरह का यूज़ नहीं करूँगा। ब्लैक कलर के बाद मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ और फिर ग्रीन कलर को भी मैं कहीं कहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्राउन कलर लेके और फिर इसे पूरा मिक्स कर दूँगा, और जहाँ जहाँ लाइट एरिया है वहाँ मैं लाइट एरिया छोड़ दूँगा, वहाँ मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगा। एंड वाइट एरिया के लिए मैं वाइट कलर कर रहा हूँ एंड फिर से मैं ब्राउन कलर से इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगा और फिर लाइट ऑरेंज कलर से मैं इन्हें मिक्स करूँगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन कलर कर दूँगा, फिर वाइट पेंसिल से मैं इन्हें और थोड़ा लाइटली शेड कर दूँगा। तो एक साइड का हमने बना लिया, अब दूसरे साइड में मैं ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा। एंड अब हमें हेयर के चारों ओर वाइट पेंसिल कलर का यूज़ करना है और हल्का हेयर चारों ओर बिखेर देना है, जिससे कि दिखने में रियलिस्टिक लगे। और ब्लर इफेक्ट भी हमारा हो गया और हेयर भी बन गया। अब हम फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए मैं एक्रेलिस का पेंटिंग कलर यूज़ करूँगा। तो आज हमने इतना बना लिया है, अब इससे आगे की वीडियो मैं कुछ दिनों बाद अपलोड कर दूँगा। तो वो वीडियो अभी मेरे पास बनी हुई है, लेकिन मैं 3 दिन बाद अपलोड करूँगा, 3 या 4 दिन बाद अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।